कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार के कई जिलों में गंगा नदी में शव तैरते हुए मिले थे। बक्सर और कटिहार जिले में सबसे ज्यादा शव दिखे थे, साथ ही बिहार के दूसरे जिलों में भी कहीं कहीं शव मिले थे। उस वक्त ये कहा गया था कि ये शव कोरोना संक्रमितों के हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये डर था कि संक्रमितों के शव गंगा नदी में फेंकने की वजह से गंगा जल में भी कोरोना के वायरस होंगे। इस डर पर से पर्दा उठ गया है। दरअसल गंगा नदी में शव मिलने के बाद भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर स्वच्छ गंगा अभियान के तहत रिसर्च की थी। इस रिसर्च में गंगा नदी के पानी में कोरोना वायरस के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक घोष ने कहा कि इस साल मई और जून में कोविड की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में शव तैरते हुए पाए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद पानी के सैंपल लिए गए थे। अशोक घोष ने कहा कि राहत की बात यह है कि सैंपल में कोविड वायरस के निशान नहीं थे। इसका मतलब है कि पानी कोविड पीड़ितों के शव से दूषित नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि दूसरे मानव निर्मित कारणों से गंगा नदी में अशुद्धियां हैं। अशोक घोष ने कहा कि टीम ने बिहार और यूपी के कई जिलों से दो चरणों में गंगा जल के नमूने लिए हैं। नमूने की जांच के लिए CSIR IIT लखनऊ में भेजे गए थे, क्योंकि हमारे लैब में ऐसी सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्ययन की रिपोर्ट कुछ दिन में आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। मुख्य रूप से इसका नतीजा यही है कि पानी में कोरोना से दूषित नहीं हुआ है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से गठित पैनल ने 1 जून को बक्सर में गंगा नदी से और 5 जून को पटना, भोजपुर और सारण में गंगा नदी से नमूने लिए हैं। पटना में दीघा घाट और गाय घाट से नमूने लिए गए थे। टीम में शामिल वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन दो चरणों में किया है। इस दौरान गंगा नदी से जितना सैंपल लिए गए थे उनकी RT-PCR जांच भी की गई है। इसके साथ ही नदी की अन्य जैविक विशेषताओं की भी जांच की गई है। पटना यूनिवर्सिटी की जूलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर DK पॉल ने कहा है कि कोरोना वायरस आमतौर पर श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। अगर लोग मुंह और नाक में पानी नहीं लेते हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर पानी सीमा से अधिक भी प्रदूषित है तो ये भी लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में PG डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के हेड अरविंद कुमार ने कहा कि नदी के किनारे पानी की थोड़ी मात्रा में प्रदूषण होगा, क्योंकि कोविड पीड़ितों की लाशों को दफन किए बिना छोड़ दिया गया था। गंगा नदी के निरंतर प्रवाह के कारण पानी में वायरस की संघनता कम हो गई थी। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।